नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बाउंसरों की दबंगाई का शिकार एक फौजी बना है। दरअसल में फतेहाबाद रोड स्थित एक बार के बाउंसरों ने फौजी के साथ मारपीट की है। सड़क पर गिरा गिरा कर फौजी को पीटा गया है। मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है। ताज़ा मामला जो है वो थाना ताजगंज के फतेहाबाद रोड स्थित जी बार के बाहर का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से एक फौजी के साथ मारपीट की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर दौड़ा दौड़ा कर फौजी के साथ मारपीट की जा रही है। अब इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ एकत्रित हो गई है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी में शादी की दावत का खाना खाने से लगभग आधा दर्जन सैकड़ों लोग आपको बता दें कि बीमार हो गए हैं, जिन्हें आनंद फानन में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया। एक ही तरह के बीमार लोगों की सूचना मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया। फूड पॉइजनिंग के अंदेशा से लोग बुरी तरह से घबरा गए। बड़ी संख्या में अस्पताल में भर्ती हुए मरीजों को देखने के लिए प्रशासनिक अमला अस्पताल पहुंच गया, जहां सभी मरीजों की स्थिति सामान्य बताकर उन्हें प्राथमिक इलाज देकर घर भेज दिया गया। गांव में आज मन्नत का कार्यक्रम था, जिसमें आसपास के दो गांव के लोग वहाँ दावत में आए थे। उन्होंने खाना खाया है और उसके बाद उनको कुछ उल्टी की शिकायतें हुई थी। उस तरह से कुछ 50-60 लोग करीब मिलेगा उनको शिकायत थी, लेकिन सभी लोग को दवाई दे दी गई है। ललितपुर में अग्निपथ भर्ती योजना में भर्तियों को लेकर भड़काने के आरोप में फौजी आर्मी कमांडो सचिन उर्फ अंकित को गिरफ्तार कर लिया गया है। ललितपुर की तहसील तालबेट कोतवाली पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। आर्मी में भर्ती कराने के नाम पर युवाओं की ठगी करता हुआ ये मामला निकलकर सामने आया है। साथ ही अग्निपथ योजना के बारे में युवाओं को भड़काने का भी ये काम कर रहा था। बता दें कि तालभेट में MBS अकेडमी के नाम पर कोचिंग चला रहा था फर्जी कमांडो तालभेट कोतवाली क्षेत्र का। ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के बलरामपुर जिले की सर्विस लांस और स्वाट पुलिस टीम ने 15 लाख रुपए के स्मार्टफोन बरामद किए हैं। अलग अलग स्थानों से गायब हुए 102 स्मार्टफोन को पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने मोबाइल फोन स्वामियों को सौंपे हैं। गायब हुए मोबाइल फोन को पाकर स्मार्टफोन के जो भी मालिक थे उन्होंने खुशी जताई है, साथ ही पुलिस टीम को धन्यवाद भी किया है। मोबाइल फोन बरामद करने वाली टीम को SP ने 10,000 रुपये इनाम देने का ऐलान भी किया है। इधर अलीगढ़ में भारत बंद को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर नजर आया। अलीगढ़ के SSP कलानिधि नेथानी ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत बंद को ध्यान में रखते हुए महानगर में कई इलाकों में पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है। टप्पल इलाके में 2 दिन पहले फैलाई गई अराजकता को उसी दिन शांत कर दिया गया था। पहले दिन 4 मुकदमे दर्ज कराए गए थे और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। 50 लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था और 68 लोगों को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल मिलाकर 118 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। भारत बंद का अलर्ट था, जिसके लिए सभी जगह पर जो भी संभावित जगह हम लोगों के यहाँ है उस पर फोन लगाया गया है और लोगों से बात लोगों से भी की गई है, इनके गांव के प्रधान वगैरह इनसे की गई है और जितने भी लोग सभी को कहा गया है किसी भी तरह की अराजकता ना हो। फोर्स अलर्ट है और सभी मामला जो है सामने। क्या अभी तक कार्रवाई की गई है जो अलीगढ़ में उपद्रव हुआ था? 3 दिन पहले हुआ था, उसी दिन उसको शांत कर दिया गया था।
एटा जिले में आतिशबाजी की एक चिंगारी ने दुल्हन की शादी के बाद भी मायके में रहने को उसको मजबूर कर दिया है। दरअसल शादी समारोह के दौरान आतिशबाजी की चिंगारी एक बच्चे को लगी थी। इससे नाराज गांव के दबंगों ने दूल्हा समेत बारातियों को बंधक बना लिया और दुल्हन की विदाई रोक दी। फिलहाल नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल जाने का इंतजार कर रही है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अमेठी वासियों ने सांसद के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमेठी में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने स्मृति ईरानी के स्वास्थ्य के लिए मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही ईश्वर से जल्द स्वस्थ होने की इनके लिए मन्नत मांगी गई है। हिंगलाज धाम, आपको बता दें कि देवी पाटन समेत अन्य मंदिरों में कार्यकर्ताओं ने पूजन हवन किया। देवरिया जनपद के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र के 87 ग्राउंड में आपको बता दें कि छात्रों का अग्निपथ योजना को लेकर सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन देवरिया पुलिस ने छात्रों के अरमानों पर पानी फेर दिया। वहीं रुद्रपुर थाने के कोतवाल विजय सिंह ने मोर्चा को संभाल रहे हैं। आपको बता दें कि रुद्रपुर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। देवरिया पुलिस के मुस्तैदी की वजह से छात्रों को भारत बंद जो है वो उनका बेअसर नजर आया। एक भी बच्चा कहीं भी प्रदर्शन करते हुए नहीं पाया गया। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र नाराज हुए थे। छात्रों का कहना है कि टूर ऑफ ड्यूटी वापस लिया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन होगा। बसपा सुप्रीमो मायावती का अग्निपथ की स्कीम को लेकर अब एक विरोध सामने आया है। विरोध के सिलसिले में एक ट्वीट भी उन्होंने किया है। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। केंद्र की अग्निपथ नई सैन्य भर्ती स्कीम देश की सुरक्षा व फौज के आत्मसम्मान व स्वाभिमान से जुड़ी होने के बावजूद भाजपा नेतागण जिस प्रकार से अनाप शनाप व अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं वे घोर अनुचित और जनता में भ्रम व सेना के लिए मुश्किल पैदा करने वाली संकीर्ण राजनीति तुरंत बंद हो, देश को अचंभित करने वाली नई अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना सरकार द्वारा नोटबंदी व तालाबंदी आदि की तरह हो चुकी है, अचानक व काफ़ी आवाधापी में थोपी जा रही है, जिससे प्रभावित होने वाले करोड़ों युवा व उनके परिवार वालों में खास आक्रोश है। सरकार इनके प्रति भी अहंकारी रवैये से बचे। आज़ादी का अमृत महोत्सव, विश्व योग दिवस और फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत मनेरगा, आपको बता दें मनेरा स्टेडियम में रन फॉर योग मैराथन दौड़ का सोमवार को जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने हरी झंडी दिखाकर इसको रवाना किया। रन फॉर अभियान के तहत जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला, CDO गौरव कुमार, SDM तीर्थपाल सिंह, जिला आपदा प्रबंधक आपको बता दें अधिकारी देवेंद्र पटवाल, शैलेंद्र गोदियाल समेत कई जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों एवं NDRF, PRD और शहर के युवाओं नागरिकों द्वारा दौड़ लगाकर आम जनमानस को योगा के प्रति जागरूक करने का संदेशा दिया गया है। इस दौरान जिला युवा कल्याण अधिकारी जितेंद्र वर्मा, जिला क्रीड़ा अधिकारी निधि विंजोला, माधव जोशी समेत अन्य उपस्थित रहे। आपको बता दें कि लगातार अग्निपथ योजना को लेकर विरोध जो है वो जारी है। इसी को लेकर निराशा और हताशा का दौर भी जारी है। अखिलेश भविष्य के प्रति आशंका, असुरक्षा का भाव, ये कहना है अखिलेश यादव का। आपको दरअसल पे अखिलेश यादव का एक ट्वीट दिखा रहे हैं जो कि उन्होंने अग्निपथ योजना के संदर्भ में दिया है। उन्होंने लिखा है कि देश के युवाओं में वर्तमान के प्रति निराशा, हताशा और भविष्य के प्रति आशंका, असुरक्षा का भाव है। देश के विकास के लिए ये घातक साबित हो सकता है। सरकार का दायित्व है कि देश के वर्तमान को सुधारना व भविष्य में जिस तरीके से उनको संवारना, ये सरकार का काम होना चाहिए। भाजपा सरकार का चतुर्दिक विरोध दर्शा रहा है कि भाजपा ने जनाधार खो दिया है। तो आपको बता दें कि अगली खबर आपको संभल से बताएंगे, जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जिस दौरान आपको बता दें कि यह खबर लखनऊ से है। लखनऊ में एक की मौत हो गई है तो वही दूसरा घायल हो गया है। दरअसल में पूरा मामला जो है वो निकल कर सामने आया है, जहां पर
तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज़ रफ्तार के कहर के चलते एक की मौत हो गई है तो वहीं दूसरा घायल बताया जा रहा है। दरअसल में तेज़ रफ्तार का कहर देखने को मिला, बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। नहर के निकट खंभे से टकरा कर ये पूरा हादसा हुआ है। घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय लाया गया है। चिकित्सक ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया और दूसरे का उपचार चल रहा है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। और इन्हीं खबरों के साथ मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम अहम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। नमस्कार।